मैं हूं सानिया इदरीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई से सटे वसई में रविवार को एक बड़ा हादसा हो गया। वसई में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी में चार्जिंग करते समय धमाका हुआ, जिसके चपेट में आने से 7 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बच्चे का नाम शब्बीर शाहनवाज बताया जा रहा है और घर वालों का आरोप है कि स्कूटर में कुछ खराबी थी और इसका जिम्मेदार स्कूटर की कंपनी को ठहराया गया। ये बैटरी इतना तेजी से आवाज आया, फटा जब घर में अंधेरा रहा। कितने साल का बच्चा था और कैसे कैसे हो? अभी 7 साल का नहीं था। आप लोग छोड़े हो? हाँ, नींद में थे हम लोग। से किसे पता कि बैटरी कभी लगाया या तो कितने बजे लगाया था? बैटरी वो लगा, मेरा ख्याल से वो 2:30-3 बजे लगाया था। धुआं पूरे घर में फैल गया, अंधेरा हो गया घर में, हम लोग को कुछ दिखा नहीं और हम लोग इतनी सोए ही थे। क्या क्या उसमें नुकसान हुआ? अब घर में राशन वासन हम लोग सब भराए थे, मतलब उसी दिन भराए थे कि चलो अपना रहेगा। टीवी था, पंखा था, ये सब कुछ था, इधर ही सब हम लोग का रखा था। हम लोग का देह पर एक बस्तर नहीं बचा कि हम लोग पहन ले। कार्रवाई का होना चाहिए ना, ऐसा देंगे तो आज हमारा बच्चा गया है तो समझ लो एक ही गया है। मैं तो जली थी तो मैं बच गई, मगर हमारा एक ही बच्चा गया है। और हो सकता है कि और देगा कंपनी तो, और आगे वाले भी किसी का 2 आदमी किसी का 4 आदमी, ऐसे कंपनी को तो बल्कि सील कर देना चाहिए। ऐसे कंपनी चला के क्या मतलब है? और हमारा बच्चा तो बच्चा गया, हम भीख मांग मांगे अपने बच्चे का इलाज कराए। हम लोग गरीब आदमी भैया कहाँ से लाएंगे?